मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली तमाम न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं ग़ुलाम अब्बास चिश्ती। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूं मियांवाली में, जहां पर वॉशिंग पाउडर का कंप्लीट सेटअप इंस्टॉल करके दिया है, जिसमें मिक्सर, ग्रेडर और साथ में अरामको वॉशिंग पाउडर की ब्रांड की रजिस्ट्रेशन, साथ में लोगो डिज़ाइन, ये आप देख रहे होंगे अरामको वॉशिंग पाउडर डिज़ाइन, और साथ में इनके सिलेंडर और साथ में प्रिंटिंग, पूरा का पूरा सेटअप इनको इंस्टॉल करके दिया है, जिसमें रॉ मटेरियल भी इनको प्रोवाइड किया है, साथ में मुकम्मल मशीनरी, डबल इन्वर्टर, ऑटो पैकिंग मशीन जो के डबल हीटर के साथ चिश्ती केमिकल एंड इंजीनियरिंग की तैयार शुदा ऑटो पैकिंग मशीन्स, जो के बेहतरीन सीलर्स के साथ, पैनल्स के साथ डबल इन्वर्टर ऑटो पैकिंग मशीन्स, ये भी इनको प्रोवाइड किया है, और साथ में मुकम्मल मशीनरी, बेहतरीन पैनल्स के साथ अरामको वॉशिंग पाउडर, इसमें 10 वाला पैक, आधा किलो वाला और किलो वाला टोटल इनको बना के दिए। बेहतरीन स्टेनलेस स्टील फूड ग्रेड हॉपर के साथ, और इसकी एडजस्टमेंट की हुई है 50 ग्राम साशे में, एक साशे में 50 ग्राम पैक हो रहा है, और ये 10 ग्राम से लेकर और 100 ग्राम तक ये मशीन सरफ, हल्दी, मिर्चें, धनिया पाउडर फॉर्म में जितनी भी आइटम है वो आप इसमें सील कर सकते हैं। मुकम्मल मशीनरी, साथ में मिक्सर, 150 केजी कैपेसिटी में मिक्सर, ये भी चिश्ती केमिकल एंड इंजीनियरिंग का तैयार शुदा, और साथ में ग्रेडर, वो भी चिश्ती केमिकल एंड इंजीनियरिंग खानेवाल का तैयार शुदा ग्रेडर इनको प्रोवाइड किया है। जो भाई इंटरेस्टेड हैं वॉशिंग पाउडर के बिज़नेस में, ऊपर दिए गए नंबर पर रब्ता करके मुकम्मल डिटेल ले सकते हैं, मशीनरी के हवाले से, फार्मूलेशन के हवाले से, कोई भी किसी किस्म की फार्मूलेशन या कोई भी डिटेल सर्फ के मुतालिक, साबुन के मुतालिक लेना चाहें तो ऊपर दिए गए नंबर पर रब्ता करके मुकम्मल डिटेल हासिल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जो भाई इंटरेस्टेड हैं ऊपर दिए गए नंबर पर रब्ता करके वो मुकम्मल डिटेल हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।